गाइस, मैं सीडीएफ सकानी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है हमारे लाला जी की, कान्हा जी की छठी, और छठी पूजन आज संडे का दिन है। बच्चे तो घर पर ही हैं, लेकिन आज भी इसके पापा ऑफिस गए हैं, आज भी उनकी छुट्टी नहीं थी, लेकिन आ जाएंगे वे छठी पूजने के टाइम तक आ जाएंगे। कल भी छठी थी सैटरडे में, लेकिन सैटरडे में मेरा फास्ट था, परदोसवर था, और संडे में भी थी, तो मैंने इसीलिए संडे में भोग लगाना, मिलने के प्रसाद भी खा लेंगे और संडे में सब रहेंगे भी, बच्चे वगैरह, इसलिए मैं संडे में मना रही हूँ। और मैं दोपहर बाद 2 बजे के बाद भोग लगाऊँगी, छठी मनाऊँगी। तो जल्दी से मैं स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग को। नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो गया है, उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। सो गाइज, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं जल्दी से आप रेडी करती हूँ कढ़ी और क्या बेटे। लाइट नहीं आ रही, लाइट आ रही है नहीं, येलो येलो वाइट वाइट दिख रहा है बेटा, वो इन्वर्टर पे चल रहा है, अभी टीवी नहीं चला, अभी कर दूँ मैं बात। बीच में गाइस आ गया था युवराज, वो नहाने के लिए बोल रहा था टब में, तो युवराज और भव्या नहाने के लिए गए हैं टब में, तो उसके बाद वो बिना कपड़ों के था इसलिए मैंने दिखाया नहीं, बीच में ही वीडियो रोक दी। और मैं अब जल्दी से बनाती हूँ कढ़ी, लेकिन मैंने अभी देखा, मैं सोच रही थी कि बेसन है, बेसन थोड़ा कम है, अब कमी क्वांटिटी में मैं बनाऊँगी कढ़ी, अब जितना भी हो सकता है, और जल्दी से बनाऊँगी क्योंकि इसके पापा भी आकर ही खाना खाएंगे, लेके नहीं गए थे सुबह, और ये भी बच्चे भी जब ही खाएंगे, जब भोग वगैरह लग जाएगा, और 2-2.5 बजे के बाद ही लगाऊँगी क्योंकि लेट ही नाश्ता किया है बच्चों ने भी, तो आराम से 2:30-3 बज जाएंगे इन्हें खाना खा, लेकिन बना देती हूँ मैं जल्दी से, और जो जो करूँगी वो दिखाऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पकौड़ी मेरी रेडी हो गई है, थोड़ी सी रह रही है, और चावल भी यहाँ पे बनने लग रहे हैं। अब मैं बड़े भगोने में कर दूँगी, चावल थोड़ा एक्स्ट्रा हो गए हैं, और यहाँ पे मट्ठा और ये भी रखा हुआ बेसन, इसी में मुझे बनानी पड़ेगी। मट्ठा मैं आधा कर लूँगी ये, और यहाँ पे मैंने तड़के के लिए मिर्च और कड़ी पत्ता ये डाल दिए हैं, क्योंकि प्याज और लहसुन का यहाँ पर यूज नहीं करना मुझे, और हल्दी नमक मिर्च ये डाल दिए, अच्छे से ये चला लूँगी। अब ये भी बेसन मिक्स कर लिया इसमें, और इसे चलाती रहूँगी, और हमारी चावल भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं। यहाँ पे कढ़ी चावल मैंने रेडी कर लिया है, हम जल्दी से मैं रोटियाँ सेक देती हूँ, और उसके बाद पहले रोटियां, 5 रोटियां निकालूंगी मैं कान्हा जी की, और उसके बाद मैं दे दूंगी पहले पापा जी को, क्योंकि पापा जी को लेट हो जाएगा, और उसके बाद मैं करूंगी कान्हा जी के छठी की पूरा वो, ये भी रास्ते में आने वाले हैं, इनके आते ही मैं भोग लगा दूंगी, सब कुछ कर दूंगी, इतने बना के रख दूँगी। मैंने 5 रोटी बना दी हैं, ये कढ़ी निकाल दी है, अब मैं वहाँ से चावल रखूँगी, और भोग प्रसाद में इनके मिठाई फल और सब कुछ रखूँगी। ये भोग की थाली, ये फल, मिठाई, ये मेरे लड्डू गोपाल कान्हा जी, अब इनके साई लगाएंगे और मंगल गाएंगे। यहाँ भव्य से लगवा रही हूँ मैं कान्हा जी को साई, ये साई बादाम की बनाई हुई है, बादाम को जलाकर उसकी बनी हुई है, और ये व्लॉग मेरा लेट आ रहा है क्योंकि बहुत पहले से मैंने ये बनाया हुआ था, लेकिन घर में इतना काम काज, इतना वो हो रखा है डेली का आना जाना, कि मैं नहीं डाल पाई, अब लेट डाल पाई हूँ। तो गाइज, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्यार दीजिएगा, और लड्डू गोपाल की अच्छी मेमोरी है इसलिए मैंने डालने की ज़रूर कोशिश किया है, नहीं तो मैं छोड़ भी देती, लेकिन मेरा मन हुआ कि जब मैंने जन्माष्टमी का व्लॉग किया है तो मैं छठी का भी डालूं। और यहाँ पे वार फेर के भी पैसे चढ़ा दिए हैं, ये बनियान में थे तो मैंने इन्हें कम ही लिया है, और बस जल्दी से मैं, हमने सब तरह का भोग लगाया लड्डू गोपाल को, ये युवराज ने भी आज राधे कृष्णा की ड्रेस पहनी हुई है, जिस पे राधे कृष्णा बने हुए हैं, और ये चला रहा है पैसे वगैरह वार फेर करके, और यहाँ पे भोग हो गया है रेडी। देखिए, पहले माखन मिश्री का भोग लगा रही हूँ मैं, उसके बाद लगाऊंगी कढ़ी चावल का, फिर मिठाइयाँ, फल, सब चीज़ का लगाऊंगी।
अब ये गौ माता के देखे आएंगे, है ना। कैसा लगा, डांस करो। सो गाइज, यहाँ पे हमारी पूजा हो गई संपन्न। खाना वगैरह करके इन्हें सुला दिया था, और ये शाम का टाइम है। हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी वाले दिन तो थप्पे लगते हैं, जागीर बाबा जी की वो पूजती है सब कुछ। और आज के दिन छठी वाले दिन, मतलब आज है माता पूजन, जो शाम में भी होएगा, और सुबह बस्सी माता भी पूजी जाएगी, जो बिना नहाए सुबह ही वहाँ पे गेट पे पूजते हैं। तो पूड़े वगैरह मम्मी जी ने बना दिए थे नीचे बैठ के, तो गैस नीचे रखा हुआ था इसीलिए। और मैं यहाँ पे सब्जी बना रही थी, और मुझे फिर बनाना है वो खाना, तो इतने वे तैयारी कर रही हैं पूजा की। बच्चों के लिए कद्दू रखा था तो वो बना दी मैंने। और यहाँ पे मैं बता दूँ, अब लगातार हमारे यहाँ पे फेस्टिवल है, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा एडिटिंग के लिए। बस थोड़े बहुत मैं शूट कर लेती हूँ व्लॉग, लेकिन जब भी एडिट करूँगी तो अपलोड कर दिया करूँगी। और यहाँ पे रात में मुझे जाना भी था, कुछ सामान बहुत सारे ख़त्म हो गए थे, और बच्चों के लिए भी कुछ लाना था, क्योंकि युवराज की चप्पल वगैरह और वो शूज़, युवराज के शूज़ भी ख़राब हो गए थे, इसलिए उसके शूज़ भी लेकर आने थे स्कूल के। और अब हम आ गए हैं, और हमेशा ये ही होता है, हमें लेट ही हो जाता है, हम कितनी भी जल्दी करें, क्योंकि घर का काम एक वो आज ही माता पूजनी भी थी, और फिर कल को जाना भी है, काम बहुत है, और डेली कुछ ना कुछ हो ही रखा है। और यहाँ पे हम दोनों रुके हुए हैं, युवराज और मैं, इसके पापा कुछ लेने के लिए गए हुए हैं खाने के लिए यहाँ पे, और क्योंकि ये भी शॉप बंद हो जाएगी, जितने हम शूज़ वगैरह और सामान खरीदेंगे, तो ये कह रहे थे कि मैं अभी पैक करा लेता हूँ। और ये फ्लैग के बारे में बात कराई, हाँ युवराज की, इतना फ्लैग, इतना ऊंचा फ्लैग कैसे किसने बांधा, ये बहुत ऊपर लगा हुआ है फ्लैग, तो कि किसने बांधा, मैंने कि सीढ़ी से बांधा। यहाँ पे इसके पापा आ गए हैं लेकर, और रख लिया है बैग में, और अब हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना रश है, इतनी रात में भी कितना रश है। हम 9:30 के टाइम आए हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और आधी शॉप तो बंद हो चुकी है जब ये हाल है, और ट्रैफिक तो हमेशा मिलता है, गाड़ी में हमें ज़्यादा लेट हो जाता है इसलिए। और ये ही चलेगा, अभी राधा अष्टमी आएगी, और ये जो वे हैं गोगा जी महाराज जी के दिन चल रहे हैं, भाद्रपद चल रहा है, तो सबके यहाँ पे कंदूरी वगैरह होती है हमारे यहाँ, तो सबके यहाँ पे जाना होता है, तो वो ही टाइम नहीं लग पाता, या तो घर का काम, या कंदूरी में आना जाना, बच्चों का पेपर का भी टाइम स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे हम आ गए हैं शॉप पे, युवराज को शूज़ नए नए ट्राई करा रहे हैं, तो मैं कह रही थी कि इस जो ये भाद्रपद में होता है, तो सबके यहाँ तो कंदूरी में जाना होता है, सबका मतलब कुछ ना कुछ फंक्शन रहता है, ऊपर से वो भी हैं कि पेपर भी हैं बच्चों के, इस वजह से मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पा रही। और कई मेरे ऐसे व्लॉग हैं, जैसे कि बर्थडे व्लॉग अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, वे भी डालने हैं, और कावड़ यात्रा के 2-3 व्लॉग जो मेरे पेंडिंग हैं, आने के बाद मैंने क्या क्या किया और कैसे आई, वो भी पड़े हुए हैं। बस जब टाइम लग जाएगा मैं सारे डाल दूंगी, आई होप आपको पसंद आएगा, और आप उन्हें सपोर्ट भी करोगे। और वहाँ पे हमने शूज़ भी लिए अपने लिए, मैंने स्लीपर लिए, युवराज के लिए भी ली एक जोड़ी स्लीपर, और बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है आने के बाद ना, काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट स्टोर पे भी आना पड़ा हमें, बच्चों का थोड़ा सा पढ़ाई का भी सामान था, और राइटिंग के लिए नोट्स बुक्स वगैरह सब कुछ चाहिए थी, तो वो भी लेने के लिए आए। ये तो शुक्र है कि ये खुली हुई थी, पर हर जगह हमें भीड़ मिली। फिर इसके बाद यहाँ पे किचन का सामान लेने के लिए आए थोड़ा सा, तो वो लेने के बाद हम घर चलेंगे। तो मैं कह रही थी कि हमारे यहाँ पे फेस्टिवल और ये कंदूरी में आना जाना तो लगता ही है, हमारे यहाँ पे निशान भी चढ़ाया, उसकी वजह से भी थोड़ा सा मैं बिजी थी। और उसके बाद कल आए थे CM जो उत्तराखंड के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वे हमारे घर खाने पर, तो उसके उनके कारण भी हमारा कल पूरा दिन ऐसे ही गया। यही सब कारण है जिसकी वजह से मैं डेली टाइम पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही,
और यहाँ पे मैं घर जा रही हूँ अब। सो गाइस आज आए हुए हैं हमारे घर पे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो हरिद्वार के अब वे बने थे सांसद और पहले मुख्यमंत्री थे, तो वे आए हुए हैं खाने पे। तो वे आएंगे, उनके साथ जो वगैरह लेंगे, जो खाना मतलब उन्हें खिलाएंगे, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, देखेगा। आज ऐसा दिन है कि इसके पापा भी गए हुए हैं ऑफिस में, युवराज तो आ गया है स्कूल से, लेकिन आज त्रिवेंद्र सिंह रावत आ रहे हैं हमारे यहाँ पे लंच पे, और उन्हें सिंपल खाना पसंद है, दाल और रोटियाँ और यही मतलब कच्चा जो भोजन होता है वो ही बनवाया है, कुछ छोले वगैरह नहीं बनवाए। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी और जो देसी खाना होता है वो बनवाया है। तो अब जो भी उनके साथ हम फ़ोटो लेंगे या वीडियो क्लिक करेंगे तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर। तो जल्दी से हमें जाना है किचन में काम वगैरह के लिए, लेकिन बाद में मिलूंगी आपसे। लेकिन आज जो वे भी ले लेते थोड़ी सी क्लिप, और ना ही इस भव्य है युवराज की आ जाएगी उनके साथ। जब वे रिसेप्शन में आए थे ना हमारे यहाँ पे शादी में, तो जब भी हम नहीं मिल पाए थे उनसे, मतलब वीडियो की नहीं बना पाए थे ना फ़ोटो क्लिक करा पाए थे। इसके पापा ने तो कर ली थी, बच्चों ने भी कर ली थी, क्योंकि मैं पार्लर में थे उस टाइम पे, तो इसलिए। सो गाइज यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, और ये मैंने शुरू में क्लिप ली थी, लेकिन जब देखी बहुत ज़्यादा भीड़, कम से कम 50-60 आदमी थे, तो मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया। जल्दी जल्दी पानी भी देना था, जल्दी जल्दी खाना भी लगवाना था, सब काम करना था। तो सबसे बड़ी बात कि बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई, उनके आते ही तो हड़बड़ाहट हो गई हमें। आज कौन मिला आपसे बैठते हैं युवराज? कौन आए हुए थे? मंत्री। और भव्या आप तो बाद में आए ना, चले गए ना वे? और यहाँ पे रस मलाई भी खा रहे हैं ये, और रसगुल्ले भी खाएंगे, खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे वे तो चले गए हैं, और मैं उनके साथ जो हमने पिक्स वगैरह ली है वो भी दिखाऊंगी, लेकिन मैं बताती हूँ कितनी तेज़ बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़, और यहाँ सारे में गाड़ियाँ भरी हुई थी। सबको देखकर तो फ़ोन ही उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई, जल्दी जल्दी उनका कैसे कैसे खाना वगैरह और जो भी पानी उन सब हुआ, और बस जल्दी जल्दी पिक्स ली हमने, और जिन्होंने वीडियो बनाई थी वे भी उन्हीं के साथ थे। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।